लेक्चर 10 क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम हिस्सा नसर में से नज़रिया पाकिस्तान जिसका उनवान है और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा 1912 में पैदा हुए और 2005 में इन्होंने वफ़ात पाई। इनकी सन पैदाइश और सन वफ़ात को आप लोग हाईलाइट करें, अपनी बुक्स ओपन करके अपने सामने रखें लेक्चर अटेंड करते वक्त, और पेज नंबर 21 के ऊपर ये मुसन्निफ़ का तारुफ है। साथ साथ आप अपना ऑब्जेक्टिव मार्क करते जाया करें, हाईलाइट करें, बेशक लेड पेंसिल से मार्क करें, और फिर जब आपने इसकी रीडिंग और ऑब्जेक्टिव करना है तो उसी हाईलाइट को ही आपने लर्न करना है। जबलपुर में पैदा हुए, 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से नवी जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। जाए पैदाइश यहाँ पर इनकी बताई हुई है जबलपुर। जाए पैदाइश भी अक्सर व बेशतर ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है तो इसको आप हाईलाइट करें। और 1928 में उन्होंने जबलपुर के हाई स्कूल से ही, अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल से ही नौवीं जमात पास की और फिर उसके बाद अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Lit की डिग्री हासिल की। अब ये D.Lit की डिग्री यहाँ पर बताया गया है तो D.Lit की डिग्री बताती जाऊँ आपको कि क्या होती है। PhD करने के बाद इसको, ये वैसे D.Lit जो है ये मुखफ़ है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, इसका डॉक्टर ऑफ लिटरेचर को D.Lit कहा जाता है। और PhD करने के बाद इस उसी मज़मून में के मुतलिक मज़ीद कोई रिसर्च करना या उसके फ़रोग़ के लिए कोई अमली काम सर अंजाम देना, और इसको करने के बाद फिर जो डिग्री मिलती है उसको D.Lit की डिग्री कहा जाता है। तो इसके लिए PhD होना जो है वो मशरूत है, यानी शर्त है कि PhD करने के बाद ये D.Lit की डिग्री जो है वो हासिल की जाती है। तो उर्दू में उन्होंने पहले PhD किया 1947 में और 59 तक फिर वो उर्दू के मुतल्लिक मज़ीद काम करते रहे, उसमें रिसर्चेस करते रहे या उसके फ़रोग़ के लिए कोई अमली काम सर अंजाम देते रहे, तो उन्हें 1959 में D.Lit की डिग्री मिली। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से बतौर लेक्चरार किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबाए उर्दू के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इन्हें सितारा इम्तियाज़, नकुश एवार्ड, इकबाल एवार्ड और निशाने सपास मिला। इनको जितने भी ये अवार्ड मिल चुके हैं या जितने भी एजाज़ मिल चुके हैं इनको भी मार्क करें। और अमली ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने कहाँ से किया इसको बतौर ऑब्जेक्टिव करेंगे, और PhD उन्होंने किस मज़मून में किया, किस सन में किया, D.Lit की डिग्री उन्हें किस सन में मिली और कहाँ से उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से हासिल की, ये सारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से मार्क करें और उसको याद करें। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौजूदात पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रिब व मुफर्रिस हैं, मुअर्रिब यानी अरबी में और मुफर्रिस फ़ारसी में। चूँकि उन्होंने MA उर्दू किया और MA फ़ारसी भी किया है तो इस वजह से अरबी और फ़ारसी में उनकी तहरीरें थी ज़्यादातर। आम कारईन के लिए लिखे गए मज़ामीनों कुतब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। आम कारईन यानी कि जो आम पढ़ने वाले हैं उनके लिए जो उन्होंने मज़ामीन और किताबें लिखीं वो बिल्कुल सादा, आसान और बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली ज़ुबान में उन्होंने लिखी। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतब तसनीफ़ की। उनकी कुतब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक अहम हैं। इनकी जो तसानीफ़ हैं उनके नाम भी आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं।